हेलो भाई लोग, क्या हाल सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे और इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर मूवीज के बारे में। और हाँ, जिनको हॉरर मूवीज पसंद नहीं है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, हमने वहाँ पे हर एक तरह की मूवीज के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने नंबर 10 पर रखा है फाइनल डेस्टिनेशन को। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब अलेक्स अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेन में सफर कर रहा होता है, लेकिन उसे अचानक से आभास होता है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो खुद को और अपने दोस्तों को उस प्लेन से निकालने में लग जाता है। बाद में ये देखा जाता है कि वो प्लेन क्रैश भी हो जाता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसके उन्हीं दोस्तों की अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियस तरीके से डेथ होने लगती है। ये एक बहुत अच्छी थ्रिलर फिल्म है। इसके टोटल 5 पार्ट आए हैं। इसको यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश में आप बाय या रेंट कर सकते हैं। बात करें इसकी रेटिंग्स की तो IMDB पर इसे 6.7 की रेटिंग मिली है। तो अब चलते हैं अपनी नंबर 9 मूवी की तरफ, जो की है इंसीडियस। तो जब जोश और रीना एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके, लेकिन उस घर में शिफ्ट होते ही कुछ ही दिनों बाद उनका बेटा मिस्टीरियस कोमा में चला जाता है और उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। इसके अभी तक 4 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। आप इसकी पहली मूवी यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। और बात करें इसकी रेटिंग्स की तो IMDB ने इसे 6.8% और रोटेन टोमेटोज ने इसे 66% फ्रेश बताया है। नंबर 8 पर आती है सॉ। तो यहाँ पर स्टोरी है एक जिग्सॉ किलर की। तो कहानी शुरू होती है जब दो लोग अपने आप को डेड बॉडी के ऑपोजिट पाते हैं और उनके सामने इंस्ट्रक्शन होते हैं कि एक दूसरे को मारना है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको डेडली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी। इसका पहला पार्ट 2004 में आया था। अभी तक इसके 9 पार्ट आ चुके हैं। आप इसको Amazon Prime पर हर एक ऑडियो में देख सकते हैं। रेटिंग्स के मामले में बात करें, IMDB ने इसे 7.6 की रेटिंग दी है। तो अब हमारी अगली फिल्म है नंबर 7 पर, जो कि है द क्वाइट प्लेस। तो यहाँ एक फैमिली जो कि स्ट्रगल कर रही है एक ऐसे वर्ल्ड में जीने के लिए जहाँ एक अंधा लेकिन नॉइज सेंसिटिव क्रिएचर हमला कर देता है, और अगर किसी ने हल्की सी भी आवाज़ की तो वो क्रिएचर कुछ ही सेकेंड्स में आके उनको मार दे रहा है। तो हर इंसान एक साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो ये बहुत एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं। आप इसको Amazon Prime पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग्स की। तो IMDB ने इसे 7.5 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोज ने इसे 96% फ्रेश बताया है। बढ़ते हैं हमारी आज की नंबर 6 मूवी की तरफ, जो कि है इविल डेड। तो यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है 5 दोस्तों की, जो कि डिसाइड करते हैं वीकेंड्स में जंगल में जाने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ पे जाके एक कैबिन ले लेते हैं। लेकिन जाने अनजाने में वो वहाँ पे एक डीमन को जगा देते हैं और वो फिर आगे उनके खून का प्यासा हो जाता है। इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन्स हैं। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जहाँ तक बात आती है इसकी रेटिंग की, तो रेटिंग्स के मामले में IMDB पर इसे 6.5 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज ने इसे 63% फ्रेश बताया है। तो अब नंबर 5 पर आती है इट। तो 7 बच्चे जिनको बुली किया जाता है और वो हेल्पलेस हैं, उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा नाइट मिरर टाइम मिलता है जब उनको एक ऐसा क्लाउन मिलता है जो पहले बच्चों को कैंडीज देता है, फिर उनको किडनैप कर लेता है। बाद में उन बच्चों को पता चलता है कि ये क्लाउन एक ईवल है, और फिर फिल्म पूरे ही टाइम आपको एंगेज रखेगी। इस फिल्म के अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं, जिसको आप यूट्यूब पर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बाय या रेंट कर सकते हैं। रेटिंग्स के मामले में बात करें तो IMDB ने इसे 7.3 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोज ने इसे 86% फ्रेश बताया है। तो नंबर 4 पर है स्क्रीन। तो यहाँ पर कहानी है एक मिस्टीरियस मर्डरर की। तो सिडनी, जिसकी मॉम का कुछ ही समय पहले मर्डर हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद और भी मर्डर होने शुरू हो जाते हैं और सिडनी सारे मर्डर्स के तह तक जाने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या ये कनेक्टेड हैं या नहीं। ये एक मिस्टीरियस हॉरर फिल्म है जिसके
पांचवां पार्ट अभी साल 2022 में आया है। आप इसको Amazon Prime पर परचेज कर सकते हैं। रेटिंग्स के मामले में इसकी बात करें तो IMDb ने इसे 7.4 की रेटिंग दी है और रोटन टोमेटोज ने इसे 79% फ्रेश बोला है। तो अब नंबर 3 पर आती है द एग्जॉस्टिक। तो कहानी है रीगन जो कि यंग लड़की है, उसके बिहेवियर में अजीब सा बदलाव आता है। वो किसी डिमोन से पोजेस्ट हो जाती है। तब उसकी मॉम जिसका नाम क्रिस है, वो एक एक्ट्रेस भी होती है, वो दो प्रीस्ट से बात करती है ताकि वो प्रीस्ट उसे उस डिमोन के वश से बचा सके। आप इसको यूट्यूब पर इंग्लिश में बाय या रेंट कर सकते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसे 8.1 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज ने इसे 84% फ्रेश बताया है। तो अब आती है हमारी आज की नंबर 2 फिल्म की, जो कि है एनाबेल। जॉन और मिया जो कि दो दोस्त हैं, उनको एक दिन एक डॉल मिलती है, लेकिन वो डॉल कुछ पैरानॉर्मल बिहेवियर करती है और बाद में उनको पता चलता है कि ये डॉल पोजेस्ड है एक एनाबेल नाम की बच्ची के मर्डर के साथ। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उस डॉल को अपने साथ रखेंगे और बच्ची की मदद कर पाएंगे, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा गलत फैसला होता है। तो नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं सारी लैंग्वेजेस में। बात करें इसकी रेटिंग्स की तो IMDb ने इसे 5.4 की रेटिंग दी है। आप इसकी रेटिंग पर ना जाएं, ये मस्ट वॉच फिल्म है। तो भाई आज की हमारी नंबर 1 फिल्म जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो थी द कॉन्ज्यूरिंग। तो पेरेंट फैमिली एक फार्म हाउस में शिफ्ट होती है और वहां आने के कुछ ही दिन बाद उनके बच्चों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं और कुछ ही समय में ये इतनी बढ़ जाती हैं कि वो ईडी और लॉरेन जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनकी मदद उनको लेनी पड़ती है। और बाद में उनको ये चीज़ पता लगती है कि ये घर बहुत श्रापित है और यहाँ पे बहुत सी आत्माओं का साया है। ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरर फिल्म है और ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप इसको नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो में देख सकते हैं। बात करें इसकी रेटिंग की तो रेटिंग्स के मामले में IMDb ने इसे 7.5 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोज ने इसे 86% फ्रेश बताया है। तो गाइस ये रही हमारी आज की कुछ हॉरर मूवीज। कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा डरावनी लगी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सबको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। जय हिंद, जय भारत।